नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर। उत्तराखंड में कल कोरोना के 120 नए मामले आए सामने। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 3,39,739। वहीं उत्तराखंड में 3,24,529 लोग स्वस्थ होकर हो चुके हैं डिस्चार्ज। अभी भी उत्तराखंड में 2,294 केस एक्टिव। वहीं कल कोरोना से 3 मरीजों की हुई मौत। जोशीमठ नगर पालिका के वार्ड परसारी में सुअरों का आतंक से ग्रामीण दहशत में है। ग्रामीणों की फसलों को जंगली सुअरों के द्वारा तबाह कर दिया है। फसलों को इस कदर नुकसान पहुंचा दिया कि लोगों में रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। सुअर के आतंक से परेशान परसारी की एक महिला ने जोशीमठ स्थित नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के रेंज ऑफिस में धरने में बैठ गई है। महिला रेंज ऑफिस के आगे लेट गई है। महिला सुरेशी देवी का कहना है कि जो भी बोए सुअर पूरी फसल को तबाह कर देते हैं। महीनों की खेती बाड़ी सुअरों ने तबाह कर दिया है। कई बार विभाग को जानकारी देने के बाद ही कोई समाधान नहीं निकला, जिस कारण रेंज ऑफिस जोशीमठ बैठने को मजबूर है। पहाड़ी क्षेत्रों में आम व्यक्ति खेती बाड़ी में ही अपना गुजर बसर करता है, लेकिन खेतों में मेहनत करने के बाद भी जंगली जानवर खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कुछ जोड़ो दुई पैसा आल बोल चाची नहीं मैं जोड़ खोल में मैं दुआ कोई नहीं चुप सुंगरा आतंक मुझे दियो आतंक मुझे नहीं सुंगरा मैं रोज जमी आ रही बहुत दबर है मैं 5-6 दिन रोज जोड़ो ना थी रोज रोज दिन अब कुछ दिन वोट हो 15 दिन जोगना चीज समझना बाक रहे वाले छोटे ना थी बाक रहे वाले छोटे चुप। चारधाम यात्रा मामले में सुनवाई करते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कैबिनेट द्वारा 1 जुलाई से सीमित संख्या में चारधाम यात्रा शुरू करने के फैसले पर रोक लगाई है। अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी। बता दें 25 जून की कैबिनेट में तीर सरकार ने 3 जिलों के लिए सीमित चारधाम यात्रा शुरू करने का फैसला लिया था, लेकिन हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने कोरोना संक्रमण के खतरे और लचर स्वास्थ्य तैयारियों के मद्देनजर सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। अपनी हठधर्मिता के चलते अभी 25 जून को जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें राज्य सरकार ने हाईकोर्ट की ताकीद के बावजूद चारधाम यात्रा की तिथि को 1 जुलाई ही बरकरार रखा, लेकिन हाईकोर्ट ने 28 जून की तारीख राज्य सरकार को दी थी अपना जवाब दाखिल करने के लिए। आज जो जवाब दाखिल किया गया उसमें साफ दिखाई पड़ा कि राज्य सरकार का होमवर्क नदारद रहता है। हाईकोर्ट बिल्कुल संतुष्ट नहीं हुआ राज्य सरकार के जवाबों से और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आप एक सजीव चित्रण कीजिए कि आप कैसे चारधाम यात्रा करवाएंगे, आपकी टेस्टिंग की प्रक्रिया क्या रहेगी, बीमारों के लिए आपकी क्या सुविधाएं रहेंगी, आपकी सफाई के लिए या शौचालय की क्या व्यवस्था रहेगी। तो उस प्रबंधन को लेकर जिस तरह से फटकार एक बार फिर आज लगाई गई है और उसको सिरे से नकारते हुए 1 जुलाई की जगह पर हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया है कि 7 जुलाई से चारधाम यात्रा होगी और एक बार पुनः उनको जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। तो ऐसे में ये बार बार परिलक्षित होता है कि राज्य सरकार अपना होमवर्क पूरी तरह से नहीं करके जाती। कोरोना कर्फ्यू के कारण भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हरिद्वार के व्यापारियों ने कल सीटी बजाकर राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। व्यापारी सावन के महीने में चलने वाली कांवड़ यात्रा को खोले जाने की मांग कर रही है। व्यापारियों ने हाथ में त्रिशूल लेकर और गले में भगवा गमछा डालकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदेश सरकार को जगाने का काम कर रहा है सीटी बजा के, और नहीं तो 2022 के चुनाव में सरकार की भी सीटी बज सकती है। तो बहुत सपष्ट कर दे, जो कांवड़ एक व्यापारी हरिद्वार का व्यापारी मरा पड़ा है पूरी तरह से। पूरी 2 साल से लॉकडाउन की मार झेल रहा है मगर व्यापारियों को कहीं राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। एक कुंभ मेले से राहत मिलने की आस थी, कुंभ मेला भी सरकार ने खत्म कर दिया, वो भी नहीं कराया। अब एक कांवड़ मेले से आस है, कहीं ना कहीं इस पर भी स्थगित करने की प्लानिंग चल रही है सरकार की, मगर इसको हम स्थगित नहीं होने देंगे। हरिद्वार के व्यापारी अगर स्थगित करती है सरकार तो हम इसका आंदोलन पूर्ण रूप से करेंगे और बढ़िया तरह से करेंगे। मैं आप देख रहे बिजनेस नहीं है, कितने साल से 3 साल से बिजनेस नहीं है, सारे मेले स्थगित होते जा रहे हैं, व्यापारी कहाँ जाएगा। अब हम कांवड़ मेले को भी स्थगित करने की बहुत चल रही है, तो कांवड़ मेला स्थगित ना किया जाए तो व्यापारी कुछ खा लेगा, नहीं तो आप उन्हें भूखे मरने की नौबत आ गई व्यापारी की। चमोली जिले के विकासखंड देवायल के अंतर्गत ग्राम पंचायत हरनी में सड़क सुविधा न होने के कारण ग्रामीणों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों को बीमार व्यक्ति को पालकी के सहारे मुख्य सड़क तक पहुंचाना पड़ रहा है। ग्रामीणों द्वारा कई बार शासन प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। कोरोना महामारी ने हर किसी को प्रभावित किया है, जबकि इसे उभरने के लिए सरकार की कोशिशें भी अभी तक परवाह नहीं चढ़ पाई है।
सबसे ज्यादा परेशानी निजी सेक्टर और उससे जुड़े लोगों को उठानी पड़ रही है। ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े लोगों ने केंद्र की मोदी सरकार से मांग करते हुए देश भर में अपनी गाड़ियों पर काले झंडे लगाकर प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और पेट्रोलियम मंत्री को ज्ञापन भेजकर मांग की है कि वर्तमान समय में सबसे ज्यादा प्रभावित ट्रांसपोर्ट व्यवसाय हुआ है, इसलिए काला दिवस मनाते हुए एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन देकर मांग की है कि लगातार बढ़ रहे डीजल के दामों पर नियंत्रण लगाएं। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की तरफ से जितने भी अपना ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए लोग हैं उनके द्वारा आज काला दिवस मनाया जा रहा है। हम लोगों ने अपनी गाड़ी में काला कपड़ा बांधा हुआ है और आज एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार को, माननीय पेट्रोलियम मंत्री भारत सरकार को एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें हमारी विभिन्न मांगे हैं। मुख्य रूप से जो हमारे गाड़ियों की जो लाइफ है उसको 2 साल और एक्सटेंड करने का मामला है। एक डीजल और पेट्रोल के दाम जो आज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन गाड़ी वालों पे ये प्रेशर और ये शक्ति है कि वो किराया ना बढ़ाएं। हमारे को या तो किराया बढ़ाया जाए हमारा, या पेट्रोलियम पदार्थों के कीमत बढ़ाई जाए। और एक तरफ जो इंश्योरेंस है पिछले 5-6 सालों में लगभग तिगना हो चुका है, उस पर कहीं ना कहीं गाड़ियों को कहीं जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं उनको राहत दी जानी चाहिए, उनको छूट दी जानी चाहिए, टैक्सेस में छूट दी जानी चाहिए। बढ़ती महंगाई को लेकर कालाडूंगी विधानसभा के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कालाडूंगी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी सतीश नैनवाल के नेतृत्व में कालाडूंगी विधानसभा में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने डीजल, पेट्रोल और बढ़ती महंगाई को लेकर कालाडूंगी नगर में ट्रैक्टर को रस्सों से खींचकर बीजेपी सरकार की बढ़ती महंगाई पर विरोध जताया। आज भाजपा सरकार के जो द्वारा जो है पेट्रोल और डीजल के दामों में जो वृद्धि की गई है उसके विरोध में जो है आज हमने ट्रैक्टर को खींचते हुए जो है विरोध प्रदर्शन किया। उसी के परिप्रेक्ष्य एक जो है महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन प्रेषित किया है कि इससे जो है पेट्रोल के दाम बढ़ने से जो है आम जनता, जो मध्यम वर्गीय जनता है, गरीब मजदूर लोग परेशान है, उसी के संबंध में जो है हमने उनको ज्ञापन प्रेषित किया। बेरनाग चकोड़ी की भूमि के मालिकाना हक के लिए लोगों ने एक बार फिर मुखर होना शुरू कर दिया है। पिछले 2 दशकों से लगातार भूमि के मालिकाना हक की मांग कर रही हैं, लेकिन भूमि का मालिकाना हक नहीं मिलने के कारण यहां पर सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। बेरनाग चकोड़ी वासियों ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर शीघ्र मालिकाना हक देने की मांग की है। ये जो समस्या है बेरनाग चकोड़ी के भूमि की मालिकाना हक संबंधी, ये बहुत पुरानी और बहुत अब गंभीर हो चुकी समस्या है। मुझे याद है कि जब हम लोग 8-10 साल के होते थे तब हमारे पिताजी स्वर्गीय लाल सिंह बाफिला जी, विक्रम सिंह धानक जी, तमाम बेरनाग की जो हमारी पिछली पीढ़ी है के नेता लोग रहे हैं, इनका भी जो है पूरा जीवन इसी संघर्ष में व्यतीत हो गया था। और हम लोगों की भी आधी उम्र हो गई है, लगभग 42-47 साल हो गए हैं। अभी तक हम लोग लगातार सरकारों से, विभिन्न सरकारों से मांग कर रहे हैं, लेकिन चौकड़ी बेरनाग के लोगों ने मन बना लिया है अगर जल्दी 15 दिन के अंदर इसमें कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोगों ने 15 जुलाई का समय मांग रखा है सरकार से। 15 जुलाई का तारीख को ओडियारी मंडी में ये गंगोली हाट बागेश्वर राजमार्ग में हम लोग एक दिन का चक्का जाम करेंगे, उस फिर भी कार्रवाई नहीं सुलझी तो उसके लिए फिर हम लोग वहीं पर आमरण अनशन कर्मी अनशन आमरण अनशन शुरू करेंगे। जैसा कि आपको सबको मिलता है ये चौपड़ी और बेना जो कि स्टेट की जमीन है, इसको लेकर जो है लोग ज्ञापन लेके आए थे, इनको मालिकाना हक दिया जाए। चूँकि ये मामला अभी कोर्ट में है, सिविल एक्ट के तहत इसमें कार्रवाई चल रही है। 18-9 के नोटिस हमें सभी पास कर दिए हैं और जब इनका उत्तर आ जाएगा इसमें अगली कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड मांगे भू कानून अभियान ट्रेनिंग में चल रहा है। इस अभियान में उत्तराखंड के युवाओं समेत तमाम हस्तियां शामिल हो रही है। उत्तराखंड और पहाड़ से नाता रखने वाले युवाओं की मांग है कि उत्तराखंड में भू कानून अधिनियम जल्द से जल्द लागू किया जा सके, इसके बाद अन्य राज्य के लोग उत्तराखंड में जमीन को खुर्द पुर्द न कर सके। उत्तरकाशी नगर पालिका में भ्रष्टाचार का एक मामला सामने आया है। सामाजिक कार्यकर्ता अमेरिकन पुरी के द्वारा बसों की मरम्मत और ईंधन पर हुए व्यय अनियमितता के संबंध में शिकायत की गई थी, जिसकी जांच रिपोर्ट वर्ष 2017 में जिला प्रशासन ने शहरी विकास विभाग को हस्तांतरित किया गया था, लेकिन आज 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। जांच में जो है कई तथ्य सामने आए, जिसमें था नगर पालिका द्वारा जो सिटी बसों का जो है लाखों का घोटाला सामने आया था, अजय मैदान का नाली निर्माण का लाखों का घोटाला सामने आया था, कई अन्य तरीके के उसमें घोटाले जब सामने आए थे, जिनमें सभी दस्तावेज उस जांच रिपोर्ट में संलग्न है, जिसमें जो है सभी तरह के सबूत हैं कि किस तरीके से है जो है घोटाले किए गए, किस तरीके जो फर्जी बिलों को पास किया गया। यह इस प्रकार के घोटालों को जब जांच रिपोर्ट बनकर तैयार हुई तो जिला प्रशासन ने उस फाइल को जो है, जाँच रिपोर्ट को जो है शहरी विकास विभाग को आगे फॉरवर्ड किया। 2017 का यह मामला है, 27 जून का।
एक वर्ष बीत जाने पर भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, हमारे द्वारा पुनः जो है आवाज़ को इस बात को उठाया गया। 2018 में जो है पुनः इस पर हमने आमरण अनशन किया, 8 दिन तक संघर्ष किया। उसके बाद जब प्रशासन ने पुनः जांच कमेटी के द्वारा जांच रिपोर्ट तैयार करके जो है शासन को भेजी है, उसके बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई और आज लगभग 4 वर्ष का समय बीत गया है और आज तक उस जांच रिपोर्ट को जो है दबा दिया गया है, उस पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि यदि वह फाइल खुलती, उसमें खुलासा होता तो उसमें लाखों करोड़ों का घोटाला जो है स्पष्ट रूप से सामने दिख रहा था। शिक्षा विभाग में चेतों की जमकर मौज हो रही है। मुख्य सचिव ने राज्य में तबादला सत्र शून्य किया हुआ है, लेकिन सूत्रों की माने तो शैलेंद्र जोशी और रामचंद्र पांडे को रामनगर बोर्ड में शोधकर्ता के पद पर तैनात कर दिया है। दरअसल कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के आदेश के बाद मुख्य सचिव ने राज्य में तबादला सत्र शून्य कर दिया था, लेकिन शिक्षा विभाग में मानो सरकार और मुख्य सचिव के आदेशों के कोई खासे मायने नहीं है, जिससे यह साफ हो जाता है कि राज्य में आम और खास के लिए नियम अलग अलग है। शिक्षा विभाग ने एक बार फिर नियमों को ठेंगा दिखाते हुए चेहतों को लाभ पहुँचाने का काम किया है। टिहरी गढ़वाल के ग्राम सभा मंगासू में पेयजल की समस्या लगातार बनी हुई है। ग्रामीणों के द्वारा कई बार जल संस्थान को अवगत कराया गया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों को अभी तक सिर्फ कोरे आश्वासन ही हाथ लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर पेयजल की समस्या का निस्तारण नहीं किया गया तो सभी ग्रामवासी जल संस्थान का घेराव कर आमरण अनशन पर बैठने को मजबूर हो जाएंगे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश की ओर से किए गए चिकित्सा शोध में ये तथ्य सामने आया है कि मनुष्य के शरीर की औसत तापमान 98.6 डिग्री फारेनहाइट नहीं बल्कि 98 डिग्री है। इसके अलावा निष्कर्ष में यह भी पाया गया कि शरीर का तापमान 99.1 डिग्री फारेनहाइट से अधिक होने पर ही बुखार के लक्षण शुरू होते हैं। समीक्षा करने के लिए यह शोध प्रीप्रिंट जर्नल में प्रकाशित किया गया है। सार्वजनिक उपयोग के लिए इसके बाद में मुख्य पत्रिका में प्रकाशित किया जाएगा। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।